साथ आइए देखते हैं शहर की खास खबरें। हाल ही में गुना के नाना खेड़ी में रहने वाली कुमारी संध्या साहू पिता सचिन साहू जो कि अपने खिलाफ छेड़छाड़ एवं दुर्व्यवहार को लेकर लगातार थाने में शिकायतें कर रही थी, किंतु गुना की पुलिस ने गुनहगार को बचाते हुए फरियादी संध्या साहू के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। समाज की बेटी के साथ हुए अन्याय के विरोध में प्रदेश भर में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गए। इंदौर में भी श्री अखिल भारतीय साहू वैश्य महासभा द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर इंदौर संभाग आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। इसके पूर्व जोरदार नारेबाजी करते हुए समाजजनों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। अशोक जानकीलाल साहू एवं साहू कैलाश चंद्र बिंजौले ने बताया कि समाज की बच्ची के साथ जो कृत्य हुआ है उससे पूरे समाज में आक्रोश व्याप्त है, अतः मामले की न्यायिक जाँच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया जाए तथा फरियादी संध्या साहू को तत्काल रिहा करते हुए प्रकरण वापस लिया जाए। जनों ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पुलिस ने कई बार शिकायत करने के बाद भी जब छेड़छाड़ करने वाले आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की और आरोपी की हरकतें लगातार जारी रही, तब संध्या ने आरोपी को एक थप्पड़ मारा जिसके बाद में संध्या को पीड़िता होते हुए भी जेल जाना पड़ा। आज ज्ञापन के दौरान मुख्य रूप से सिलावटपुरा साहू समाज अध्यक्ष ललिता दिलीप साहू, जेपी साहू, अशोक जानकीलाल साहू, साहू कैलाश चंद्र बिंजौले, सुंदरलाल साहू, मनोज गुलाबचंद साहू, जगदीश साहू, हरिप्रसाद साहू, हुकुमचंद साहू एवं गोपाल साहू सहित बड़ी संख्या में साहू समाजजन उपस्थित थे। क्या मामला है संध्या साहू वाला, क्या पूरा मामला? पूरी कहानी एक साल पहले की है। संध्या साहू गुना की रहने वाली लड़की है और वो कॉलेज में पढ़ाई करती है। एक साल से उसका पड़ोसी जो है हमेशा उसको पीछे नज़र से देखता था, हमेशा उसको परेशान कर चिढ़ करता था, जिसकी शिकायत कम से कम दर्जनों बार लड़की ने पुलिस को किया, पर पुलिस ने एक भी कार्रवाई उसके शिकायत पर नहीं की। पर जब लड़की ने आत्मरक्षा के लिए कदम उठाया एक झापड़ मारने के नाम पर और उसको उनने जेल में डाल दिया लड़की को, तो संध्या साहू आज गुना की बेटी, मध्य प्रदेश की बेटी है और हम इस तरह से अपमान नहीं सहेंगे। साहू समाज इंदौर इसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले के लोग ज्ञापन दे रहे हैं और रोष है समाज पर कि हमारी बेटी को जब 12 बार उसने शिकायत की पुलिस को तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की, और जब लड़की ने आत्मरक्षा के लिए अगर पुलिस इसमें एक्टिव रहती तो वह मामला पहले ही खत्म हो जाता, वो आदमी जो है उसके पीछा छोड़ चुका होता। पर नाम मैं जेपी साहू, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष साहू समाज, राष्ट्रीय दिल्ली साहू महासंघ दिल्ली से। गुना जिले के नानाखेड़ी में कुमारी संध्या साहू को पड़ोसी मनोज ढाकर उसको एक साल से परेशान कर रहा था। इसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन थाने पे की गई थी, किंतु पुलिस ने उस पर अनसुनी करी। 3 बार रिपोर्ट दर्ज की गई किंतु उसको नहीं आया। जब उसने संध्या साहू के परिवार ने उसे मनोज ढाकर से मारपीट की तो उसी धारा में पूरे परिवार को उन्होंने जेल उसमें भेज दिया, जेल में डाल दिया। आज वो बच्ची परीक्षा की देने के लिए पुलिस की छाए में आज वहाँ पर गुना में आई हुई है। हम करते हैं मध्य प्रदेश की ओर से प्रत्येक जिले में अपन ज्ञापन देने जा रहे हैं, देते आ रहे हैं। मैं उनसे ही निवेदन करता हूँ जो सीबीआई जांच की जाए वो उचित से उचित दंड उनको दिया जाए। आपका नाम बता दिया? साहू कैलाचंद बिजाले, प्रदेश संगठन सचिव, तेलिक साहू महासभा। जिले के जो नानाखेड़ा में घटना हुई है नाबालिग बच्ची के साथ में, थोड़ी आवाज़ बढ़ा, गुना जिले के नानाखेड़ी जिले में बच्ची के साथ जो घटना हुई है, संध्या जिसका नाम है बच्ची का, वो बच्ची को न्यायिक उसको न्याय मिलना चाहिए। और बच्ची वो फरियादी है, वो फरियादी बच्ची की जगह उन्होंने जब फरियादी को न्याय देना चाहिए तो उनने और उल्टा उनने आरोपी को अंदर कर दिया, फरियादी को ही आरोपी बना दिया, फरियादी को ही उनने आरोपी बना दिया। तो मैं तो ये शासन से ये मांग करता हूँ कि उसको न्यायिक उसको न्याय मिले और उसके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उसकी न्यायिक जाँच की जाए। आपका नाम बता दीजिए? मैं अशोक जानकीलाल साहू,